हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुक्र अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सी वीडियो एडिटर बताऊंगा जिससे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक ज़बरदस्त ही वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे आग लगा दें, एक ज़बरदस्त ही वीडियो एडिटिंग कर दें, या टिकटॉक पे आग लगा दें, अगर आप चाहते हैं कि एक फास्ट मोशन, हर एक फिल्टर हो, सब कुछ हो आपके वीडियो एडिटर में, और ज़्यादा टाइम भी आपको ना लगे, तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, छोटी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए गाइस। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसका नाम है वीडियो मेकर फॉर यूट्यूब। ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे, या इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कीजिए यहां से। तो ओपन करने के बाद आप यहां जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपना वो वीडियो क्लिप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको एडिट करना है, जैसे मैं ये वाला वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको इम्पोर्ट कर लीजिए। तो देखिए कितनी जल्दी इंपोर्ट हो गया है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा इस ऐप में बिल्कुल भी। तो अब आपको सबसे पहले, अगर आपको वीडियो ट्रिम करना है अपना, जैसे मैं हैंड आगे ला रहा हूँ फिर पीछे ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से अगर इसको रखना है, जहाँ से मैं बोलता हूँ, यहाँ से मैं इसको ट्रिम पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ से मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप ये जो टिक का ऑप्शन दिख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक देख करते ही हमारा वीडियो ट्रिम हो गया है। अब आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। देखिए वो हैंड वाला जो पहले था वो ट्रिम हो गया है। अब अगर आप इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं अपने वीडियो के साथ, तो म्यूज़िक पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग या म्यूज़िक जो भी आपको इसमें लगाना है बैकग्राउंड में, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर यूज़ पे क्लिक कीजिए। तो अब प्ले कीजिए, तो इसमें जो म्यूज़िक का साउंड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माई साउंड। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मतलब मैच करता हूँ अपने साउंड से, कम करता हूँ म्यूज़िक के साउंड को। तो इसको, इसके लिए आपको म्यूज़िक का ये जो म्यूज़िक है ऊपर, म्यूज़िक पे क्लिक करना है यहाँ से ऐसे। क्लिक करने के बाद आप म्यूज़िक का वॉल्यूम यहाँ से कम कर दीजिए, जैसे मैंने 20% रखता हूँ मैं इसका। तो 20% के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसको प्ले करके देखता हूँ। अब देखिए मेरा साउंड और म्यूज़िक का साउंड मैच हो रहा है, मतलब अब ठीक लग रहा है। अब आपको फ़िल्टर अगर लगाना है तो फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए। तो अभी देखिए मेरा वीडियो कैसा ब्लैक जैसा आ रहा है, मैं फ़िल्टर ब्राइट पे क्लिक करूँगा तो देखिए कैसा हो गया है। यहाँ से जो भी आपको पसंद आएगा वो वाला सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारे फ़िल्टर हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये जो ब्राइट वाला अच्छा लगा, मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ। जो नॉर्मल था, ओरिजिनल था, देखिए कैसा ब्लैक था। अब मैं ब्राइट वाला लगाऊँगा और टिक पे क्लिक करूँगा, तो देखिए कैसा हो गया मेरा वीडियो। तो देखिए अब मेरा जो वीडियो पहले था वो कैसा था, अब देखिए अब कैसा है, कितना फ़र्क आया है मेरे वीडियो में। अब आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट भी मिलते हैं बहुत सारे, देखिए इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट लगाना। अगर आपको कोई भी इफ़ेक्ट लगाना है तो आप इसमें लॉन्ग प्रेस कीजिए और अप्लाई करना है, जहाँ तक आपको अप्लाई करना है लॉन्ग प्रेस कंटिन्यू रखना है आपको। फिर जहाँ तक आप ये इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, फिर आप वहाँ तक लॉन्ग प्रेस रखिए, फिर आप इसको टिक कर दीजिए, तो ये वहाँ तक हो जाएगा। देखिए तो यहाँ तक मैंने इसको रखा था। अब आपको इसमें मिलते हैं टेक्स्ट इमोजी, स्पीड, अगर आप स्पीड ज़्यादा या कम करना चाहते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरी स्पीड फास्ट हो गई है। देखा आपने खुद,
तो देखा आपने खुद कितना अच्छा वीडियो एडिटर है, काइन मास्टर या बाकी जो वीडियो एडिटर है उनसे बेटर है। तो अगर आप रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं इसके साथ कुछ, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग बताऊंगा जो आपको शायद पता नहीं हो। आपको अगर आप ये वीडियो अपलोड करना है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, ये जो आप बीजी बीजी का ऑप्शन देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से, आप जो इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं 4:5 रेशियो, ये वाला सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम के लिए। अगर यूट्यूब के लिए करना है तो 16:9 वाला रेशियो, ये वाला सिलेक्ट करना है। अगर टिकटॉक के लिए करना है तो ये वाला सिलेक्ट करना है। ये तीनों आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, इनको सिलेक्ट करना है रेशियो, तो आपका वीडियो वहाँ से उसी स्क्रीन के हिसाब से आएगा, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से इसको सेव करना है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सेव करना है यहाँ से, हाई क्वालिटी जिसमें भी आपको सेव करना है, तो यहाँ से आपको क्वालिटी सिलेक्ट करनी है, तो आप फिर इसको सेव कर लीजिए। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो एडिटर पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना।